हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और आज घर में मैं पूजा कर रही हूँ, मतलब अपने मंदिर में पूजा कर रही हूँ। एक्चुअली मंदिर को मैंने कल ही अच्छे से क्लीन कर लिया था, भगवान के वस्त्र वगैरह भी वॉश कर दिए थे, पर ये सब काम मैंने इवनिंग में किया था, तो मैंने सिर्फ शाम की दिया बाती की थी। आज हो रही है अच्छे से पूजा, और डुगू भी मेरी हेल्प कर रहा है। आजकल क्या है ना कि हस्बैंड पूजा करे या फिर मैं करूं, पर डुगू बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उसे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं भी उसे रोकती नहीं हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं उसको अपने इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करती हूँ, और उससे छोटी छोटी हेल्प भी लेती हूँ, क्योंकि उसको बड़ा ही मज़ा आता है। वो पहले ही बोलता है, मम्मा मैं भी हेल्प करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। सो अच्छी बात है, धीरे धीरे वो भी इस तरह से सीख जाएगा। तो फाइनली क्या है ना कि हम घर में जब नए घर में जाते हैं तो जनरली लोग पूजा वगैरह कराते हैं, पर हमसे उतना नहीं हो पाता है, एज़ यू नो कि बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता है। फिर हस्बैंड अपने ड्यूटी में बिज़ी हो जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता, तो हम घर पे ही आज अच्छे से पूजा कर रहे हैं। तो आज हो रही है मंदिर की फर्स्ट टाइम पूजा, और ट्रस्ट में पूजा करने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है। देखा तो पूजा वगैरह हो गया है, और आज इस घर में पहली बार पूजा हुआ। मुझे पता है हम काफ़ी लेट हैं, क्योंकि आज हमारा फोर्थ डे है इस घर में, लेकिन मंदिर में अरेंज नहीं कर पा रही थी, इसलिए पूजा नहीं हो पाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फाइनली आज पूजा हो गया, तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और डुगू कर रहे हैं यहाँ पर स्टडी से, हेलो। तो डुगू यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, डुगू बहुत ही अच्छा दिखते हैं। डुगू दिखाओ थोड़ा हैंड हटा, डुगू की हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है ना बिट्टू? हाँ। तो क्या हुआ है ना कि अभी कुछ दिनों से, मतलब मैं सब सतारा में थी, तो शिफ्टिंग, और मतलब माइंड ऐसा चल रहा था कि शिफ्टिंग करना है, जाना है, आना है, तो डुगू की स्टडी बिल्कुल भी नहीं हुई है। इस वजह से क्या हुआ है ना कि बहुत सारी चीज़ें वो भूल गया है, तो अब मेरी मेहनत थोड़ी सी बढ़ गई है, पर हाँ डुगू रेगुलर स्टडी करेगा तो आपको याद आ जाएगा, है ना बिट्टू? अब मैं याद हो गया, जाने सीख गया। सीख गया। और लंच में क्या बनेगा? लंच पे दाल चावल। एक्चुअली क्या ना, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, और आजकल मैं ब्रेकफास्ट में ना, जब से यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि वो चार दिन जो बाहर का खाना खाई ना, मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मैं पर डे रोटी बनाती हूँ, मतलब रोटी सब्जी सिंपल, जो देसी हम लोगों के यूपी बिहार साइड में होता है ना, हमारे साइड में पता है बचपन से ही ना ब्रेकफास्ट का मतलब है रोटी सब्जी, रोटी भुजिया पराठा पूड़ी, मतलब इसी टाइप का। लाइक पहले जब हम लोग छोटे थे, मैं अभी करंट की बात नहीं कर रही हूँ, अब तो हर जगह थोड़ा सा फूड हैबिट चेंज हो रहा है, पर हमारे बचपन में हम नाश्ते में यही सब खाते थे, पूड़ी भुजिया पराठा भुजिया रोटी सब्जी। ऐसा नहीं था कि पोहा उपमा ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये बेसिकली हमारे यहाँ अगर बनता भी था कभी रेयरली, तो इवनिंग में बनता था, मॉर्निंग में रोटी ही बनता था। तो आजकल मैं रोटी ही बनाती हूँ, तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है रोटी एंड सब्जी। मैं लौकी की सब्जी बनाई थी आज। हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे हस्बैंड ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, साइट पे नहीं जाते हैं, तो ऑफिस का तो एक फिक्स टाइम होता है, तो वो अराउंड 9:30 मैक्स टू मैक्स 10 o'clock तक निकल जाते हैं, और फिर इवनिंग में आते हैं। और अभी तक तो वो लंच बॉक्स नहीं लेकर जाते हैं, बोलते हैं मुझे उतनी भूख नहीं लगती है, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह वो उधर ही कर लेते हैं, छोटा मोटा वगैरह, और कुछ उसके साथ अगर उनका मन होता, तो अभी तक तो नहीं ले जा रहे हैं, आगे पता नहीं, बोलते मुझे भूख फील नहीं होता, तो अच्छे से वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और ऑब्वियसली रोटी सब्जी रहता है तो बहुत ही अच्छे से, मतलब फुल स्टमक कर लेते हैं, तो वो नहीं ले जा रहे हैं। बाकी मैं बोलती हूँ ले लो, फिलहाल तो नहीं ले रहा वो। डुगू कर रहे हैं स्टडी, और मुझे बनाना है लंच, तो जैसा कि आपने सुना कि इन्हें खाना है दाल चावल, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ ना मैं फ्रूट्स खा लूँ थोड़े से, क्योंकि आज मैंने सुबह से ना कोई फ्रूट्स नहीं खाया। आपको भी खाना है, फटाफट पहले लिखो आप, ठीक है?
नॉर्मल लोगों से ज्यादा गर्मी फील हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक मैं इस सिचुएशन में हूँ इस वजह से, या मैं बहुत सारे मेडिसिन ले रही हूँ इस वजह से, मुझे नहीं पता, पर बहुत ही लगती थी। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो वेदर बहुत ही अच्छा है। और ऑब्वियसली हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, तो उनके पास टाइम नहीं है, तो हम कहीं घूमे वूमे नहीं है, और फिलहाल मेरी सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि घूमेंगे फिरेंगे। कभी उसी में मौका मिलेगा तो कोशिश ज़रूर करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जाएंगे। और ये चंदन है, मैंने पूजा करा था ना तो उस समय, और मैं आज फ्रूट्स खाने के लिए थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे खाना है लीची, जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी, मुझे लीची खाना है, और यहाँ पर ना लीची नहीं मिलती है, ऐसा मुझे पता चल रहा था। और हमने थोड़ा बहुत आसपास देखा भी, तो हस्बैंड ने बोला था कि यू डोंट वरी, मैं तुमको कहीं से भी ला के एटलीस्ट वन टाइम तो दे ही सकता हूँ, इतना मशक्कत करके, मतलब मैं तुम्हें ढूंढ के ला दूंगा। तो फाइनली कल वो लीची लेकर आए हैं, और मैं खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि होता है ना कि मुझे बहुत दिनों से लीची खाने की क्रेविंग हो रही थी, पर ये शिफ्टिंग वफ्टिंग के चक्कर में मैं नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आज मैं खाऊंगी लीची, पर बहुत कॉस्टली है बाय द वे। कल ही वो लेकर आए थे, मेरा मन हो रहा था ना कि मैं कल ही खा लूँ, पर मैं कल उसको इसलिए नहीं खाई क्योंकि मैंने सोचा कि प्रसाद बना लेते उसको, और मंदिर की पूजा भी करनी है, तो चढ़ा भी लेंगे, खा भी लेंगे। तो ग्रेप्स के बाद अगर मेरा कोई फेवरेट फ्रूट है तो वो है लीची। मैं थोड़ी आलसी हूँ ना, तो मेरा फेवरेट फ्रूट भी थोड़ा आलस वालस वाला है। ये तो वैसे उतना आलस वाला नहीं है, सबसे ज़्यादा ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स मेरा फेवरेट फ्रूट है। मैंगो भी मैं खाती हूँ, मुझे पसंद है, पर आई थिंक ग्रेप्स मेरा फेवरेट है। नंबर फर्स्ट पे है ग्रेप्स, सेकेंड में है लीची, और थर्ड में है मैंगो। हेयर वॉश नहीं किया है, पर मेरे हेयर थोड़े से गीले थे, इसलिए मैंने इसको कर लिया है ओपन। और अभी मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए, उसे टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, 12:30 हुए हैं, पर लंच बना लेते हैं और देखते हैं क्या बनाते हैं। डुगू तो ऐसे बोल रहा है कि उसको खाना है, क्या खाना है बेटू? खाएंगे दाल चावल। दाल चावल, पर मैं सोच रही हूँ मैं दलिया बना लेती हूँ, वेजिटेबल्स वाला जो बनता है ना पुलाव की तरफ। हो गया बीयूटी बट। अब आप अल्फाबेट्स लिखो, कैपिटल ए स्मॉल ए, अच्छे से लिखना, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगी, यू डोंट वरी, ठीक है? भूल गया ना, इसलिए उसको ऐसा लग रहा। तो अभी मैं लंच बनाऊंगी, और आज मैंने पूजा की, और घर ऑलमोस्ट अरेंज हो गया है, बस एक बॉक्सेस खाली है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। इधर ये रूम भी पूरी तरह से सब कुछ हो गया, यहाँ पे जो बॉक्सेस आपने देखा होगा वो मैंने हटा दिया है, फिर यहाँ पर बॉक्सेस का पूरा अंबार लगा था वो हटा दिया है, लेकिन ये बॉक्स जो है ना क्लोथ्स के, और ये बैग, ये दो चीज़ें ही बस रह गई है, बाकी घर ऑलमोस्ट डन है। और हम क्या सोच रहे थे ना, जो ये एरिया है ना, ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये जो हॉल है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये एरिया क्या है ना, बहुत ज़्यादा खाली खाली सा फील हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक पार्टीशन करना चाहते हैं कर्टेन से, ताकि ये थोड़ा सा छोटा दिखे, क्योंकि आप देख सकते हो इस लेंथ से, यहाँ से ये काफ़ी ऐसे बड़ा सा दिख रहा है, ऐसे पूरा ये लगता है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा खाली है। और बच्चे होंगे तो बच्चों को परेशानी ना हो, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि खेलने के लिए काफ़ी स्पेस है, तो ये कुछ ऐसा है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसको हम कर्टेन से इंस्टॉल नहीं कराया है, हस्बैंड का मन हो रहा है कि उन्हें टीवी चेंज करना है, पर मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो हम इतने मूव कर रहे हैं, इतने जगह आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि टीवी चेंज हो। बाकी पता नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि उनको बहुत ही मन कर रहा है, वाईफाई कनेक्शन नहीं हुआ है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आरओ, ये दो चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, और ये अभी तक नहीं हुआ है। ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिए क्या क्या होता है। तो यही था यहाँ का एक्सपीरियंस, वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है, घर बहुत ही एयरी है, मौसम माइंड ब्लोइंग है, कहीं घूमने बिल्कुल भी नहीं गए हैं, पर घर पे भी अच्छा लग रहा है। डुगो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पर कर्टन लगाना है। सब बातें सुनता रहता है, एक नंबर का नकली नकल करने वाला लड़का है। मैं नकल का बोलकर थोड़ी, मैं ऑफिसर बनूंगा। ऑफिसर बनेगा? ऑफिसर बनोगे? हां। ओके। बिग होने के बाद। ओके। मैं बोल रही थी ना कि आरओ इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो आरओ इंस्टॉल वैसे नहीं हुआ था, लेकिन बात करते करते आरओ वाले भैया आ गए, हमारी बात हुई थी, एक्चुअली वो कल ही आने वाले थे, तो यहाँ पर हमारा आरओ स्टॉल हो गया, अच्छे से सर्विसिंग भी हो गई है,
और आज हमने उसके मतलब जितने भी अंदर वाले जो दो फिल्टर होते हैं और बाहर का सब कुछ चेंज वगैरह करा लिया, अच्छे से सर्विसिंग करा ली है, तो आर ओ का काम तो डन हो गया है। लेकिन इन सब काम में ना 1 से 1.5 घंटे लग गए और अभी तक हमने लंच ना बनाया ना किया, तो भूख बहुत लगी है। तो अभी क्या करेंगे, तो डुगू को मैंने एक बनाना दे दिया है कि तब तक खाओ, लंच बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी थक गई हूँ और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 2 बज गया है। तो चलिए फटाफट से ना बनाना खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मतलब थोड़ा सा, मतलब 5-10 मिनट, क्योंकि खड़े होते होते ना बैक में पेन हो रहा है, और उसके बाद लंच बनाते हैं। और शाम हो चुका है और मैंने कर दी है शाम की आरती, अभी तक नहीं आया है, शाम के 7 बज गए हैं, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएं और फिर चाय पीते हैं। डुगू को मैंने मिल्क वगैरह दे दिया है। तो शाम हो गया है, एक्चुअली चाय पीने का टाइम हो गया है, लेकिन हस्बैंड का वेट कर रही हूँ और वो मेरे को रोज़ बोलते हैं कि तुम चाय पी लिया करो, क्योंकि पूरे दिन में मैं ऑफिस में 2-3 चाय हो जाता है, भी होता है ना कि अकेले चाय पीने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो इसलिए मैं उनका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए। तो मेरी उनसे बात हो गई, वो थोड़ी देर में आएंगे और देखते रात में क्या खाना बनाते हैं। डिब्बू ने अपना मिल्क पी लिया है। आपको क्या हुआ, नोजी आ रही क्या? नहीं नोजी नहीं आ रही, अच्छू आ रही है। अच्छू आ रही है, स्नीजिंग। तो डुगू दोपहर में स्टडी किया है, थोड़ा सा स्टडी वो फिर करेगा। सो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो कंटिन्यू करने की इच्छा नहीं हो रही है। बनेगी अच्छी सी चाय, देखते हैं हस्बैंड कब तक आते हैं। उन्होंने बोला मैं 15 मिनट्स में बस आने ही वाला हूँ, पर उनका 15 मिनट्स का 1 आवर एंड 1.5 आवर हो जाएगा, पता नहीं चलता है। तो फाइनली आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। डुगू सी बाय 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 बाय। हम लोग दोनों ऐसे डल डल थके थके लग रहे हैं, तो एक्चुअली क्या, मैंने डुगू को बहुत सारा ऑयलिंग किया है तो शायद इसलिए। सो चलिए बाय बाय। मेरा फेस कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है? गोरा गोरा चंपू चंपू। चलो ठीक है, बाय बाय। ठीक है, बाय।